नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज भवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बंपर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला। जीबी ग्लोबल स्कूल के बगल में करतालपुर तिराहा आजमगढ़। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंशपुर आजमगढ़। स्नातक स्नातकोत्तर बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन ओपन जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्लेग्रुप 2 क्लास 10। 2022 के विधानसभा चुनाव में निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके भाजपा नेता मनोज यादव पर जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। शुक्रवार को पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। राहुल वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी ग्राम कोलबाज बहादुर जनपद आजमगढ़ ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि आराजी गाटा संख्या 483 व 485 का और बाद बैनामा उक्त जमीन पर पीलर व ईंट की दीवार से बाउंड्री करके काबिज रहता चला आ रहा है। पीड़ित के पड़ोसी से विवाद के चलते उक्त बैनामा भूमि गाटा संख्या 483 व 485 पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। इसी बीच स्टे के बावजूद पूर्व मंत्री अंगद यादव के भतीजे मनोज यादव पुत्र बाला यादव ग्राम मोजरापुर थाना कोतवाली, जो कि भाजपा नेता है, जो पूर्व में निजामाबाद विधानसभा से सदस्य पद का प्रत्याशी रहे हैं, वह हल्का लेखपाल सुमित सिंह को अपने नाजायज प्रभाव में लेकर बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपने साथ लगभग 25 से 30 संख्या में जिनका नाम पता अज्ञात को लेकर बार बार पीड़ित के बैनामा की जमीन पर मनबढ़ई गुंडई के बल पर जबरदस्ती बाउंड्री शुदा जमीन के अंदर कब्जा करने व हड़पने की धमकी है और कह रहा है कि मैं भाजपा नेता हूं, जो चाहूंगा वही होगा। उक्त घटना पूर्व में उच्चाधिकारियों को दी जा चुकी है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। भाजपा नेता मनोज यादव का मनोबल बढ़ा हुआ है। 15 अक्टूबर को दिन में 3 बजे जेसीबी मशीन लगाकर प्रार्थी का पूर्व से बना पीलर तोड़कर खुदाई करने लगे। अपने स्वयं व अज्ञात साथियों के साथ प्रार्थी के बैनामाशुदा जमीन पर कब्जा करने की नियत से चढ़ाया। पीड़ित के मना करने पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित को पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में पीड़ित की हत्या जैसी अप्रिय घटना घट सकती है व जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा सकता है। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर एसपी से मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सर, ये मामला हमारा जमीन का मामला है, इसमें कुछ यादव लोग हैं जो भूमि माफिया लोग हैं, जिसमें मेन नाम जो है कुछ यादव लोग हैं, जैसे मनोज यादव जो निजामबाद से चुनाव लड़े थे भाजपा प्रत्याशी, तो वो हैं, और कोलघाट के विनोद यादव हैं, ब्रजेश यादव हैं, और हमारे ज़मीन के पीछे जिनकी ज़मीन है, ये सारे लोग सब आपस में मिले हुए हैं और ये लोग सब यादव लोग हैं। जबरदस्ती हमको जो है डराते हैं, धमकाते हैं, हमारी ज़मीन नाजायज तरीके से हड़पने की कोशिश करते हैं। बहुत मना करने के बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती नापने के बहाने आए, वहाँ पर नायब तहसीलदार और लेखपाल आए, प्रशासन भी वहाँ पर आई चौकी नापने के बहाने, वो लोग आए, सीकर लगाएं, जरीब लगाएं, नापने के बाद वो लोग चले गए। इसके बाद जबरदस्ती उन लोग के जाने के बाद जेसीबी लगा के जबरदस्ती दीवार पीलर तोड़ के हमारी ज़मीन की खुदाई करने लगे और गाली उली देने लगे कि नहीं करोगे तो तुमको जो है हम ये जान से मार देंगे, धमकी दे देंगे। ज़मीन हमारी सर रोडवेज के पीछे महाराजा होटल के बगल में हमारी ज़मीन है। कितनी ज़मीन है सर? ये हमारी ज़मीन सर 200 कड़ी हमारा बैनामा है राजेंद्र वर्मा जी के नाम से, और इस पे सर हमको करीब 3-4 महीने से जबरदस्ती लोग दबंगई कर रहे हैं, हका रहे हैं, मार के जाने जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और नाजायज़ तरीके से हर समय 20 से 30 की संख्या में हर 2-3 दिन पे लोग जबरदस्ती हमारे ज़मीन पर आते हैं, नापते हैं और नाप करके धमकी देते हैं। और थाने पे गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं। सारा एप्लीकेशन हमने दिया, एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, हर जगह हमने एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सर ये चीज़ तो हम हर जगह एप्लीकेशन दिए, जब हमारा कोई सुनवाई नहीं तो सर हम इसमें क्या बोलें? तो हम बहुत हार मान के आप लोगों के पास आए कि जो है ये बात जो है मीडिया में बता दें, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि हमारे साथ कोई घटना ना घट जाए और फिर हमारे परिवार के साथ। इस कप्तान साहब से मिले तो कप्तान साहब ने बोला कि डीएम के साहब के यहाँ जाइए,
हाँ, तो डीएफ साहब की अभी एप्लीकेशन दे चुके हैं, वहाँ से भी कोई सुनवाई हमको अभी तक नहीं मिला। हम सर न्याय चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारे ज़मीन पे स्टे होने के बावजूद भी वो लोग ज़बरदस्ती तरीके से आ रहे हैं और डरा रहे, धमका रहे हैं और हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेन रोल सुमित सिंह लेखपाल जो उधर से विपक्षी पद से मिले हुए हैं और ये लोग ज़बरदस्ती आकर के नापते हैं, नाप के हमको दबंगई करते हैं, हर समय मारने की धमकी देते हैं और हमारे साथ रात बिरात दिन में कभी भी अपनी घटना घट जाती है। हम बनिया वर्ग के आदमी हैं, हमारी दुकान दौरी एक महीने से बंद है, हम दौड़ रहे धूप रहे थाना पुलिस कोतवाली, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शोख नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शोख नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What chumka? What chumka? काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, एलईडी स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का एलईडी टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन कम्पोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एज पर CBSE स्टैंडर्ड्स, आउटडोर एंड इंडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। अवर ब्रांच किड्स पैराडाइज, वन ऑफ लर्निंग प्ले ग्रुप, सेक्शन ऑफ पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, 200 प्लस डिजाइन एक्टिविटी किड्स एंड प्ले जोन फॉर किड्स पैराडाइज प्ले ग्रुप सेक्शन। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़।